हाय दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मृणाल दत्त एंड वेलकम येट अगेन टू अनदर रोमांटिक एपिसोड ऑफ ये है आशिकी बागी स्पेशल। हमारी आज की कहानी दो नेबर्स के बारे में, जोजी और रिद्धि। अब जोजी एक लिबरल थॉट रखने वाला नॉन वेजिटेरियन क्रिश्चियन फैमिली का लड़का, वेयरएज रिद्धि एक टिपिकल वेजिटेरियन मारवाड़ी फैमिली की लड़की थी। अब इन दोनों की अपब्रिंगिंग बहुत अलग कल्चर्स में हुई, बट लव फाउंड द वे टू देयर हार्ट। लेकिन उसी प्यार को इनके घर वालों ने यू टर्न लिया। इनके घर वाले अक्सर आपस में लड़ते, लेकिन बीच में पिस्ता कौन? हमारे बेचारे लवबर्ड्स। अब देखना यह है कि क्या ये अपने पेरेंट्स को मना पाते हैं, या इनके प्यार का भी होता है एक ट्रेजिक दी एंड। मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अरे ऐसे कैसे लेके जाएंगे हमारी राधिका दीदी को? पहले ना जीजू को ये सारी मिठाइयाँ खानी होगी और सबकी तारीफ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही अलाउ। भाई इसकी बात तो कोई टाल ही नहीं सकता। रिजन बाबू, हम बड़े किस्मत वाले हैं कि मारवाड़ी समाज के सबसे प्रतिष्ठित परिवार में हमारे बेटे का रिश्ता तय हुआ। मेरी तो यही कोशिश है कि मेरे बच्चे जो है वो अपने ही समाज में शादियां करें और इस समाज को आगे बढ़ाए। अब झूठ बोलूं तो धंधा डूबे मेरा। दीजिए आप अपने हमें ईमेल आईडी दे दीजिएगा। क्यों? ये फंक्शन की सारी पिक्चर्स आपको मेल कर दूंगा। और सोचिए मत, दे दीजिए। नहीं नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि राधिका दीदी है ना। राधिका जी को क्यों बीच में ला रही है? हम खड़े हैं ना सामने, हम ले लेंगे ना। हाँ दादाजी, आई आई, एक मिनट। चलो अच्छा हुआ, सब अच्छे से हो गया। इतनी अजीब बात आ रही है, लगता है कि कॉरिडोर से ही है। ये पता नहीं कितनी बदबू आ रही है। सत्यानाश, ये मांसाहारी लोग ना बाज नहीं आएंगे। फिर से ले आई मेरे अंगने में मछली। ये रोज रोज तमाशे की आदत हो गई है इन लोगों को। ए मद्रासा, बाहर निकल, मुझे पता है तुझे सब सुनाई दे रहा है। एक्सक्यूज मी, हम मद्रासी नहीं मलयाली। What's your problem? अरे तो जो भी हो, मेरी बला से तुम्हें मना किया था ना कि हमारे घर में मांस मच्छी नहीं आएगी। ये मच्छी नहीं, ये उसका स्केलेटन है, और ये आपका घर नहीं डस्टबिन है। I don't know, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होगा प्रॉब्लम, कितना बदबू आ रहा है। तो इसे मत सूंघिए ना, अंदर जाइए अपने घर में। ओहो, अब अपने ही घर में घूमने के लिए हमें आप लोगों से परमिशन लेना होगा है? आप लोगों को तो बस झगड़ा करने की आदत है। हमें झगड़ा करने की आदत है? अरे तुम्हारा बस चले ना तो पूरा शहर में लड़ाई लगवा दो। तुम्हारे यही लड़ाकू स्वभाव से तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला गया, या फिर मछली की बदबू से बर्दाश्त नहीं हुई। मेरी मॉम की पर्सनल लाइफ पर बोलने का कोई राइट नहीं है आपको। हर बार हम ही क्यों शराफत में चुप हो जाए? आज तो फैसला होकर रहेगा। कीजिए ना फैसला, हम भी तो सुने। हेलो, तू मैनर्स भूल गया क्या? हाँ बड़ों से ऐसे बात करते हैं? अरे हम तो बात ही नहीं कर रही, लेकिन सुनने की भी एक लिमिट होती है। गलत करोगे ना तो गलत सुनना भी पड़ेगा। मछली से तुम्हें बदबू नहीं आती, लेकिन हमें बहुत बदबू आती है। ओह सॉरी मैडम, यू नो अगली बार हम वही मछली लाएंगे जिसने मरने से पहले डिओड्रेंट लगाया। हैप्पी हाउस दैट यू ना, डोंट एक्ट टू स्मार्ट ओके। ये अपनी गंदी शक्ल की फ्रस्ट्रेशन ना किसी और को दिखाना हमें नहीं। मेरी शक्ल गंदी है? मेरी शक्ल गंदी है? खुद को देखा तुमने? लड़कियों को पिंपल से डर लगता है, लेकिन तुम खुद एक बहुत बड़ी पिंपल हो। हाउ डेयर यू, यू शट अप। वो गंदी बदबू ना फिर से नहीं तुमसे आती है। ये लो स्मेल करो, ये लो स्मेल, स्मेल 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 करो। नो नो, चेक ना, चेक चेक चेक। आई स्मेल वेरी गुड, डोंट एक्ट स्मार्ट टू मी, आई एम वार्निंग यू, यू स्टे अवे फ्रॉम मी। यार नॉट वो हिंसा का पीपल है। अरे मॉम इससे बात करते हैं लड़की, तो बात ही नहीं करनी। गेट लॉस्ट, नॉनसेंस, मुझे लेट हो रहा है। अरे स्टॉप फॉलोइंग मी, हट ना। ए तू हट ना। ए तूने नटकिस को बोला? हट, किसको बोला तूने? अबे रुक, तूने नटकिस को बोला? तूने नटकिस को बोला? हाँ
तुम उसे बदबू आती है हा? अब पता चला कि जब मैं टेनिस खेल के आता हूँ तो तुम इतनी टर्न ऑन क्यों होने लगती हो। देखो डैम नॉटी है। शट अप जोसी। चार साल से हम एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम शादी करेंगे। आई मीन शादी तो दूर की बात है, अब तक हमारी फैमिलीज को हम कन्विंस भी नहीं कर पाए। हमारी फैमिलीज एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकती। यू नीड टू रिलैक्स ओके। कहा था ना मैंने दिमाग में टेंशन लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है। यू लव मी ना? यू लव मी जोसी? जोसी हम किसे बेवकूफ बना रहे? हमारी फैमिलीज को या खुद को? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शायद हम दोनों ही गलत हो। So what are you suggesting? इसे पहले कि हम हमारी फैमिलीज का ट्रस्ट ब्रेक करें। What? I think कि हमें ना ब्रेकअप कर लेना चाहिए। Are you mad? हाँ? तू चार साल की रिलेशनशिप को ऐसे खत्म कर देगी? What? Oh, you don't love me anymore, huh? Josie, please, just stop making me feel guilty, okay? और ये बात तू भी जानता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। Just forget it. You'll just never understand. Fine. अगर तुझे लगता है कि यही सही डिसीजन है तो ठीक है, लेकिन इस तरह रोड पे ब्रेकअप करना जरूरी नहीं है ना। अनिरुद्ध और शालिनी शादी कर रहे हैं और हम दोनों ही विटनेस हैं। हमारी शादी नहीं हो रही है तो कम से कम उनकी तो करवा दे। क्या? कम व्हाट मतलब अभी से ही रास्ते अलग? शायद यही सही होगा। गठबंधन कर मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कर ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। पहले फेरे में वर वधु एक दूसरे को वचन देते हैं कि आज से हम दोनों के जो सुख दुख होंगे दोनों बराबर के सहभागी। दूसरे फेरे में वर वधु को वचन देता है आज से मैं हर प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा और तथा प्रेम और सम्मान दूंगा। अंतिम फेरे में वर वधु एक दूसरे से कहते हैं 7 जन्मों तक हम पति पत्नी के प्रेम और सम्मान के बीच में किसी अन्य को शामिल नहीं करेंगे। शादी करेगा मुझसे? 7 जन्मों तक झेलेगा क्या मुझे? सर्व मंगल मांगे सर्वासाद के चरण नारायण ओ मंगल भगवान मंगलम जा।
ऐसे जाएगा? अरे हाँ, सिंदूर भी तो है। ब्रेकअप से लेकर शादी के मंडप तक पहुंच गए, वो भी 4 घंटे से कम टाइम में। यू नो, अब मैं सोच रहा हूँ कि सेलिब्रेट कैसे करूँ यार। लिसन, यू लिसन, तो तुम ना, मतलब अगर किसी ने देख लिया ना तो बैन बच जाएगी। देख ले, क्या फर्क पड़ता है, तू मेरी वाइफ है यार। जूसी, मैंने पूरे रास्ते में क्या समझाया था, जब तक दीदी की शादी नहीं हो जाती है हमें किसी को कुछ नहीं बताना। यू प्रॉमिस मी यार। मैं क्या प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ? जस्ट गिव मी वन किस। आई प्रॉमिस मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अपनी हवस को कंट्रोल करो जोसी। ये नॉर्डन की हवस नहीं है, प्यार है समझी ना, शादी की है तुझसे। चल गिव मी अ किस नाउ। कुत्ते का ही है। अरे दी बेटा आ गए, वो फूल वाले से बात हो गई तुम्हारी? फूल वाला, हाँ मैंने बात कर ली है। और हाँ, वो अपना कल अभिनव आ रहा है तुमसे मिलने के लिए। कौन अभिनव? लो कमाल है, अभिनव को नहीं पहचानते? राधिका का पति अर्जुन, उसका छोटा भाई। अरे बहुत मजा छत पे, मुझे एक बार डेंगू हो चुका है यार। यू नो हाउ व्हाट आई वेंट थ्रू यार। लिसन, यू जस्ट कम फास्ट, कुछ भी बहाना बना, आई डोंट केयर, कुछ भी बोल के आना यार। कौन कितने क्वेश्चन पूछे तेरे घर वाले, जस्ट कम यार। ठीक, हेलो, ओके, बाय बाय। रिद्धि बेटा जरा देखना, इसमें मैं कुछ भूला तो नहीं? एक मिनट। हाँ, क्या क्या? ये तुम लोगों के फोन फोन नहीं है बल्कि तुम्हारी सौतन है। अरे भाई, हमारे जमाने में लोग मिलने जाया करते थे और अब देखो। अरे कुछ सहेली है तो बुला लो ना उसको। वो दादाजी क्या है ना कि तुहिना जो है वो, उसको ना मूवी देखने जाना है, इसलिए ना वो देखो वापस फोन करिए। पागल हो गई, मतलब आज जान ले लेगी मेरी। एक सेकंड ना। मेरी बात सुनो यार, मुझे ना बहुत ही वो नर्वसनेस हो रही है, वो पता नहीं कल क्या होगा। क्या होगा कल? वो जो मेरी दीदी है ना, हाँ? उनके जो हस्बैंड है, उनका कोई दूर का कजिन है, क्या नाम है उसका, अभिनव। तो? वो कल मुझे देखने आ रहा है यार, और पूरी फैमिली को वो बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि मेरा रिश्ता पक्का होने वाला है। That's very good, यार, congratulations. हाँ? और क्या पता, अगर वो लड़का बहुत पसंद आ गया ना, तो तेरे दादाजी तुम दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में करवा देंगे। अरे तुम लोगों का मनी मैनेजमेंट ना, इट्स माइंड ब्लोइंग यार, टू गुड। व्हाट? तेरी बीवी को कोई और लड़का देखने आ रहा है और तुझे अब भी मजाक सूझ रहा है? आई मीन ऑल द टाइम यू आर जस्ट जोकिंग यार जोजी। देख, सुन मेरी बात सुन, तेरे लिए ये शादी ना शायद मजाक होगी, बट मैंने ये शादी बहुत दिल से की है। ओके ओके, गलती हो गई, सॉरी। काम डाउन, नीड टू काम डाउन, काम डाउन। हाँ, माना कि मेरा जोक बहुत ही बुरा था, लेकिन मैं हमारी शादी को मजाक बिल्कुल नहीं मानता। मैं मानता। फॉरगेट इट जोसेफ, फॉरगेट इट। लिसन लिसन रिद्धि, प्लीज लिसन टू मी यार। अरे घर पे कोई नहीं है यार। जोसी, दादी मंदिर गई है, दादाजी मार्केट गए हैं और राधिका मूवी देखने गई है, इसलिए अब तू इसकी सेवा करेगी। तेरा दिमाग खराब हो गया जोशी? अरे यार, पति हूँ मैं यार। अरे पति तो घर पे होगा। जोशी देख, दादाजी आ गए ना तो बहुत मारेंगे तुझे। अरे हम अपनी प्लीज क्विक घर जाके पिया कम अपनी। नहीं यार, तू ब्रेक पत्नी है। अरे पति वाली पीने जाने देना यार, फिर ऐसे मत कर यार, कम ऑन, सेव सेवा कर। नो नो, अच्छा ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। चाहे नहीं तो किस वापस वापस तू और तेरी किस जोजी को याद है? आई एम मैड, प्लीज नो, आई एम टेलिंग यू, प्लीज पति है तो क्या हुआ? शू, काम डाउन जोजी, प्लीज काम डाउन। दीदी बेटा, दादाजी मैंने कहा था कोई आ जाएगा, खड़ा हो क्या जोजी? मैड, गो 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 गो, मेरा कमरा, नहीं मेरा कमरा वहां पे, मेरा कमरा वहां पे, गो।
आओ अभिनव। रिद्धि बेटा देखो तो हम किसको लेकर आए, अभिनव को, हैं? है ना, हमारी तुम्हारी बात हुई थी ना, इसे बिठाओ। अरे बिठाओ क्यों, जाओ घर दिखाओ, और वो जो तुम पेंटिंग वेंटिंग करती हो वो दिखाओ, इसको पसंद आएगी, और हम अपना काम करके आते हैं। हेलो, कहाँ जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, घर देखने। हेलो, रुको रुको रुको, मैंने कहा रुको। क्या 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 हुआ? कुछ नहीं हुआ, कॉकरोच बापना कॉकरोच। तो भी मारता हूँ। अरे रुको ना, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं हूँ ना, मैं मैनेज कर लूँगी। हम ना एक काम करते हैं, वो यू नो आई पेंट लाइक रियली वेल, तो मैं ना तुम्हें मेरी पेंटिंग दिखाती हूँ, कम लेट्स गो, कम चलते। अच्छा तो ये आपने बनाई है? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपने बनाई है? हाँ। पर दादाजी तो कह रहे थे कि आपने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई है। सारी पेंटिंग्स के आपको आज ही देखनी है? अच्छा तो आप इशारों में बात करना चाहती हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट बात करने में मजा भी नहीं आता, कॉलेज में भी हम डम शरार्स टीम के कैप्टन हुआ करते थे। नहीं एक्चुअली आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे छूने की कोशिश कर रहा था, मैं जिंदगी भर कवारी बैठूंगी लेकिन इसके साथ शादी कभी नहीं करूंगी। दादाजी मुझे लगा ये फ्रेंडली हो रही थी। ओ हेलो, फ्रेंडली फ्रेंडली मैं हो रही थी कि तू हो रहा था? एक कान पेच लगा के दूंगी ना दादाजी, ये ना ये घर दिखाने के नाम पे मुझे टच कर रहा था। पेंटिंग रखो, रख। आज के बाद दोबारा इस घर में आए ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। उल्लू का पट्टा। बड़ा आया था मेरी बीवी से शादी करने वाला, शेरकट। ओहो, मेरे घर में अचानक इस तरह, बड़ी हिम्मत आ गई है तुम्हें। अच्छा अच्छा, अब हीरो के साथ रहोगी तो हिम्मत तो आ ही जाएगी ना। अच्छा लिसन ना, गिव मी वन किस। किचन में, बेडरूम में जाना है। टू द अनसिक ऑफ यू नाउ, क्या हमेशा किस किस किस। अच्छा ठीक है स्टॉप क्राइंग, एक हक तो दे, किचन में हक तो हो सकता है, प्लीज यार। ठीक है जल्दी कर, जल्दी कुछ नहीं होगा, आराम से प्लीज कम। चोर चोर मॉम, मैं इसे पकड़ लिया, मॉम चोरी करने आई थी, आई एम श्योर। हाउ व्हाट डू यू वांट टू स्लीप ऑन द साइड मॉम, रस्सी आपके पास, रस्सी की अल्टायर अब राइट नाउ। चोरी मैं चोर हूं, उनको सब कुछ बता दिया। व्हाट क्या, बहुत प्यार करती हो जोजी से, कुछ भी करोगी उसके लिए। फाइन, यू नो व्हाट, जोजी रियली लाइक्स फिश, चलो उसके लिए फिश करी बनाती हूं। नो मॉम, That's not fair. रिद्धि ने आज तक फिश को हाथ भी नहीं लगाया। So what? You know, हमारे जमाने में लोग कहते थे प्यार के लिए कुछ भी करेगा। And they actually used to do it. Not cool, mom. रिद्धि वेजिटेरियन है। जोजी, do it. Listen, तुझे कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जोजी, I said I'll do it. मुझे कब तक प्रोटेक्ट करोगे? लाइफ में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। यू गो, आई डू इट।
जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं मनाती, हम कुछ नहीं कर सकते. You need to impress them, not me. समझी मेरी बात? ये लड़का तो पागल है, लेकिन हमें तो दिमाग से सोचना पड़ेगा ना. दादाजी, गुड आफ्टरनून. अरे ओ माय गॉड, इतना भारी बैग है आपका. प्लीज मुझे दीजिए ना दादाजी, प्लीज दादाजी प्लीज. अगर इस उम्र में इतना वजन उठाएंगे तो आर्थराइटिस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं ना. प्लीज गिव, प्लीज दादू. नहीं दादू, प्लीज लीव इट. उफ, कितना हैवी है. दादाजी ये आर्थराइटिस प्रिवेंशन की किताब मैं बस पढ़ी है, मैं भेज दूंगा. ठीक है, इतना सामान मत उठाइए प्लीज. अरे आप कब आए? बजी बजी. ओके दादाजी, मैं चलता हूँ. नमस्ते. नमस्ते पड़ी जी, ये लीजिए हवन की बाकी सामग्री. जी बेटा, सब ठीक तो है? गोयल साहब, ये क्या लेकर चले आए? जॉर्जी, ये सब क्या है? क्या हुआ दादू? क्या हुआ दादू, बड़े भोले बनते हो, जैसे तुमको तो पता ही नहीं कि क्या हुआ. अरे मांस मच्छी मेरे घर में, ये सब तुमने जानबूझकर किया ना? आई एम सॉरी दादू, मुझे पता नहीं था कौन सा बैग कौन से हाथ में था. मैंने सोचा नहीं था कि तुम घटिया बने में इतने नीचे उतर जाओगे. अरे कर दिया ना मेरा हवन भंग, कर दिया ना मेरे घर को अपवित्र. नहीं दादी, अशुद्ध. देखो प्लीज प्लीज, आई स्वेयर दादू, मैंने जानबूझ के नहीं किया, प्लीज बिलीव मी. मेरी सब समझ में आ गया, जरूर इसकी मां ने सिखा कर भेजा होगा. बाप है नहीं और मां से परवरिश हो नहीं पा रही. बस चुप हो जाइए, बोलने से पहले सोच तो लिया कीजिए. अरे तेरी परवरिश है ना, इसीलिए ये हाल है. बाप के साथ रहता तो कुछ बन जाता था. बस बस, अब बुजुर्ग है, लेकिन इसका मतलब नहीं हम इस बात का फायदा उठाएंगे. उंगली नीचे जोसी, मैं भी अपने दादा और दादी की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती. बड़े आए थे मदद करने वाले, हो गई तुम्हारी मदद. और प्लीज अगली बार हमारी कोई भी मदद करने की कोशिश मत करना. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. अच्छा तुमने बता दिया, शायद मुझसे एक नहीं दो गलतियां हुई है. I'm sure. तो जाओ जाओ यहाँ से और प्लीज yes. अपनी गलती जरूर सुधार. ठीक है, चला जाऊंगा. हो गई तुम्हारी मदद. थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग. तो जाओ जाओ यहां से और प्लीज yes. अपनी गलती जरूर सुधार. शायद मुझसे एक नहीं दो गलतियां हुई है. था मुझे हाँ, इतनी दूर तक साथ चलने के बाद मुड़ के वापस जाना कितना आसान है तेरे लिए. मुड़ के वापस जाना बहुत ही मुश्किल है. Let me go. क्या गलत, ये फैसला तू अकेले नहीं ले सकती, समझी ना.
You can't decide for everyone out here. Let me go. Let you go? What do you mean, let you go? Huh? Kal breakup, aaj shaadi, parso divorce. तेरे मजाक के तू समझती क्या है? थोड़ी होती है मजाक बात। तेरे लिए मजाक है। नहीं यार, शराब, शराब है ना शराब। गोयल पानी ले लीजिए। हमारे घर तक आ गया, ये क्या कम है? मुझे इस घर में सांस लेने में भी घिन आती है। जोशी, where were you, जोशी? मैं तुम्हें कितना फोन कर रही थी, कहाँ थे तुम? हम भेलो यहाँ पे क्यों आए? इतनी रात को क्या काम था इन्हें? कुछ हुआ है? बेटा हाँ, तुम जॉर्जी के घर पर आ जाओ। रिद्धि को यहाँ पे क्यों बुलाया? माफ प्लीज दादाजी। जोशी कम यहाँ। जोशी दादाजी कौन रिद्धि हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? टेल मी जोशी। नो नो मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट दादाजी, आज तूने मेरे विश्वास को तोड़ा है। क्या हुआ दादाजी? ये मिला है तुम्हारी बैग से। दादाजी वो ना मैं आपको बताने वाली थी। अच्छा किया जो तुमने नहीं बताया। इस कागज के टुकड़े को अपने पास रखे। तुम लोग समझते हो कि तुम लोग रिश्ते में जुड़ गए हो? तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर हुई है तो ये लो। शादी हो चुकी है दादू। अब अगर एक शब्द और भी बोला ना तो यही गाड़ दूंगा। और तू आज के बाद जब तक राधिका की शादी नहीं हो जाती तो कमरे में बंद रहेगी। जोशी, वैसे भी इस शादी को कोई नहीं मानता। तुमने मंदिर में जाकर शादी कर तो ली, but what's the point? Come on, sign the annulment papers, please. सुमित्रा, रिद्धि को बुला कर लाओ। जी। रिद्धि, रिद्धि बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। सो गई हो क्या? क्या हुआ? अरे ये दरवाजा नहीं खोल रही। कैसे नहीं खोल रही? रिद्धि, दरवाजा खोलो। मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। रिद्धि, 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 ओपन द डोर। Thank you.
सिस्टर प्लीज इट्स एन इमरजेंसी वी नीड योर हेल्प सिस्टर प्लीज इमरजेंसी में 20 मिनट तो कोई नहीं जा सकता सिस्टर आप होश में तो है आपको दिखाने दे रहा प्लीज उसकी हालत देख के शी इज डाइंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड प्लीज आई अंडरस्टैंड बट आप समझिए आप बैठिए वहां पे इसके पास तो वक्त ही नहीं है 20 मिनट का आप इंतजार कीजिए क्या इंतजार कीजिए मुझे समझ में नहीं आता क्या हां शी इज डाइंग आउट हियर टू हेल्प विद यू आंटी अरे रुको रुकिए वापस अरे वापस आइए साहब अंदर बैठे हैं उनके परमिशन के बगैर कोई भी अंदर नहीं जाएगा साहब का नहीं हटो ऐसे ऐसे देखिए ना हमारी बेटी की तबीयत बहुत खराब है मत समझाया क्या करे आप लोग हॉस्पिटल को तो फिश मार्केट बना दिया आप लोगों ने आपको पता भी आप लोग कहाँ खड़े हो मैं चाहता हूँ मैं कहाँ खड़ा हूँ डॉक्टर साहब मेरी जगह एक ऑफिस की तरह होगी लेकिन इस वक्त ये जगह मेरा चर्च है अगर आपकी और आपके हॉस्पिटल के नेग्लिजेंस की वजह से मेरी दादी को कुछ हो गया तो क्या फर्क रह जाएगा डॉक्टर साहब फिश मार्केट में और आपके हॉस्पिटल में नर्स नर्स मिस्टर नायर को कैबिन में शिफ्ट करो और पेशेंट को अंदर ले आओ कैसी है रिधि अब शी इज नॉट स्टेबल आप लोगों से मिल सकते हैं लेकिन प्लीज ज्यादा डिस्टर्ब मत कीजिएगा मैं माफ कर देना आपसे बहुत बड़ी भूल हो गई आज अगर आपका बेटा नहीं होता तो हम रिधि को खो चुके होते कितना बुरा भला कहा हमने आपको फिर भी आपने सब कुछ भुला दिया वाकई आपके संस्कार और आपकी परवरिश बहुत अच्छी है माफ कर देना बेटा तो प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए शायद रिद्धि की इस हालत के जिम्मेदार मेरा और उसका पागलपन ही था नहीं इसके जिम्मेदार तुम नहीं हो ना ही रिद्धि इस हालत का कोई जिम्मेदार है तो सिर्फ मैं रद्दी बचपन में तेरी सारी गलतियां मैं तेरी नादानी समझ के माफ कर देता था क्या आज मेरी इस नादानी को बुढ़ापे की नादानी समझ के माफ नहीं करेगी माफ कर दे बेटा तो हॉस्पिटल की फैमिलिटी तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा तू मुझे हाँ मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाने वाली थी हु डेयर यू रिद्धि अपनी जान लेना वीकनेस का साइन है
हमारा प्यार ना कभी वीक था ना कभी होगा। और तू भूल गई कि मैं कितना बड़ा ढीठ हूं। तुझे स्टॉक करते हुए मैं दूसरी दुनिया तक भी चला था। सॉरी जोसी। आप लोग भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। अरे भाई बहुत हो गई माफी तलब। अब तो मिठाइयां बांटने का वक्त आ गया है। क्यों जी? जिस मंडप में अपनी राधिका की शादी हो रही है उसी मंडप में इस रिद्धि की और जॉर्जी की। जॉर्जी? हाँ, आपका बेटा। ओ, जोसी। हाँ वही, जो भी है उसकी दोबारा से शादी हो। हाँ, हाँ, हाँ। कहा था ना मैंने मनी मैनेजमेंट। कहते हैं अगर प्यार सच्चा हो तो चाहे जितनी भी कोशिश कर लो उसे परवान तो चढ़ना है। अब जूजी और रिद्धि ने ना सिर्फ अपना प्यार निभाया, उन्होंने अपनी फैमिलीज के बीच की नफरत भी खत्म की। नाउ इमेजिन अगर दुनिया का हर प्यार करने वाला कपल ऐसा ही हो तो वर्ल्ड पीस तो ऐसे ही हासिल हो जाए। ऑन दिस ब्राइट नोट मैं आपका होस्ट मृणाल दत्त आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और कल एक और रोमांटिक कहानी लेकर मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। टिल देन स्टे इन लव।